जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज एक बार फिर से हम लोग एमएफएल इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि लंबी अवधि में निवेश के लिए स्टॉक कैसा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ इसमें आज तेजी दिखने लगा है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस कंपनी को मैं पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, लगातार फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो कंपनियां होती हैं यदि सही समय पर उसमें एक अपॉर्चुनिटी देख के हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो आने वाले समय में हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए मैं इस तरह की कंपनी को टारगेट करता हूं अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। एमएफएल इंडिया लिमिटेड को यदि समझे कंपनी काम क्या करती है, तो मैंने अपने पिछले के वीडियो में भी इसके बारे में काम के बारे में विस्तार से बताया हुआ है कि लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रोवाइड कराती है। देखिए जब हम कार्गो की बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब होता है समुद्री जहाज के माध्यम से, शिप के माध्यम से जब ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन को कार्गो कहते हैं। और एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, जब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सड़क पर जो ट्रक वगैरह में सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है तो उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। बाकी कार्गो वाला जो शिपमेंट हो गया जो मैंने बताया, तो ये जो कंपनी का काम है, काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्गो में जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका बोलबाला हमेशा रहेगा, उसके शेयर्स की डिमांड हमेशा रहेगी। इसलिए इस पर नज़र बना के रखना जरूरी है। तो सिर्फ काम ही नहीं देखते हैं, काम के अलावा हमें और भी चीज़ देखना होता है। तो चलिए कंपनी को फंडामेंटल समझते हैं। तकरीबन 25 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए यहाँ पे पीई भी नदारद है। खैर पीई का हम पेनी स्टॉक में कुछ खास मायने उसको लेते नहीं है, क्योंकि हम तो उस चार्ट पर देखते हैं कि लेवल कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठाते हैं। तो अभी 67 पैसे के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है और हम चार्ट पर देखेंगे तो वहाँ पर लेवल निकल कर आएगा, तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पर नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी अभी पता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनियों में ना सामान्यतः रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक का पी नदारद होता है स्किनर की वेबसाइट पे, इसलिए यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं 1 साल के चार्ट पर और वहाँ पे आगे की बातों को समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे हम लोग 1 साल के चार्ट पर आ गए हैं, और 1 साल के चार्ट पर यदि मैं बताऊँ तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस कंपनी का 70 पैसा का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे कुछ दिनों तक इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 70 पैसा से 80 पैसा के बीच में, और आप सभी जानते हैं कि जब कोई स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा होता है तो उसमें एक लंबा ब्रेकआउट होता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ भी और सीधे कंपनी का प्राइस 1 रुपये तक गया। लेकिन जितना जल्दी ब्रेकआउट होता है छोटे स्टॉक में उतना ही जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे भी आता है। दिक्कत इस स्टॉक में यह हुआ कि प्राइस काफ़ी नीचे आ गया, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट लेवल था 70 पैसा का, प्राइस उसके भी नीचे आ गया, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। खैर इसके नीचे एक स्टेप नीचे आया, 60 पैसा के लेवल तक आया, और यहाँ से देखेंगे तो फिर सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर उठने लगा है। प्राइस उठेगा, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जब कंपनी अच्छे काम करती है ना तो उसके बदौलत कंपनी का शेयर प्राइस लंबी अवधि में जरूर उठता है और तेजी आती है उसमें। तो भले शॉर्ट टर्म इसमें ये गिरावट आई, लेकिन ये प्राइस अभी उठने लगा है और ये धीरे धीरे उठेगा ही। अब सबसे पहले ये दिक्कत की बात है कि ये जो प्राइस अभी इसमें आप देख रहे हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस उठने लगा है, उठने के बाद सबसे पहले इस रेंज में आएगा, यहाँ आकर फिर ये कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर प्राइस जब ऊपर निकलेगा तो इजीली 1 रुपये के लेवल को ब्रेक करके कम से कम इसके 2 गुना 1.5 रुपये तक आपको जाते हुए दिखेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में आप 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक के लेवल के लिए इजीली आप इसमें जा सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि यदि कोई नया व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, जब इसका प्राइस इस लेवल में आ जाए और इस लेवल में आने के बाद यहाँ पे जब समय बिताने लगे और समय बिता के ऊपर निकलने लगे, यहाँ पे आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा और यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं करने क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। यहाँ पे इसलिए रिस्क है क्योंकि प्राइस ऊपर जाके हो सकता है कि फिर यहाँ पे रजिस्टर करके नीचे आ जाए, इसलिए जब प्राइस ऊपर निकले दो दो जो लेवल है इसको ब्रेक करके, इसलिए थोड़ा पे हम यहाँ पे भले महंगा मिले लेकिन यहाँ पे उठाएंगे तो कन्फर्मेशन रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यदि क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें जिससे ये पता लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं, तो देखिए सेल्स देखते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है, ओवरऑल बढ़ा हुआ ही कहेंगे, एक क्वार्टर को छोड़ दे तो ओवरऑल कंपनी का सेल्स ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले ये जो मेन बिजनेस से कमाई होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, तो ये पहले माइनस में था लेकिन सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में यह भी प्रॉफिट में आ गया। और अभी जैसे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में 17 लाख से भी ज़्यादा इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा आप देखिएगा। और ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट होता है मतलब जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है तो वह भी देखेंगे आप, वह भी आपको हालांकि माइनस में था लेकिन माइनस में से कम होते हुए दिखा, यानी कि जो कंपनी लॉस में थी लॉस कंपनी के कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में जैसे Q3 का रिजल्ट आएगा तो अब ये देखेंगे कंपनी लॉस से कंपनी सीधे आपको प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देगी, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी रहेगी।
इस कंपनी में शेयर होल्डर्स पैटर्न की बात करें तो वो जैसे प्रोमोटर्स देखेंगे तो लगभग नहीं के बराबर है, सिर्फ 0.42% के आसपास इसमें प्रोमोटर्स है। मैक्सिमम शेयर्स कंपनी के पब्लिक के पास ही पड़ी हुई है, तो पेनी स्टॉक्स में उसे भी ज़्यादातर पब्लिक होते हैं, इसलिए इसमें इतनी चिंता नहीं करनी कि इसमें प्रोमोटर्स नहीं है। ओवरऑल लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से एमएफएल इंडिया एक बेहतर स्टॉक्स है। यदि सही लेवल पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको इसमें समय देना चाहिए, नहीं किए हैं तो मैंने जो लेवल बताया वहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट में पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।